कांग्रेस स्टीयरिंग कमिटी एंड द प्रेडेंट ऑफ मल्लिकार्जुन खारगेजी फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी एंड अदर 41 मेंबर्स ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी आर पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग बेसिकली वी Two major issues. One is relating to the, our plenary session. As per the usual convention, after the Congress president election, we used to conduct a plenary session. Therefore, there will be a, we, today. We decided there will be a plenary session, three-day plenary session, on second half of February at Raipur, Chhattisgarh. We will have a discussion on various subjects and certainly in this three day plenary session, there will be a subject committee. After that plenary session, some session will be there. Finally, a big public meeting also will be held number 2 we discuss about the bharat jodo yatra review of the bharat jodo yatra and the future course of action to follow up of bharat jodo yatra basically we decided to hold a massive campaign हाथ से हाथ जोड़ो अभियान फ्रॉम जनवरी 26 सिक्स ऑनवर्ड्स दिस शुड बी ए टू मंथ कैंपेन एज पर दिस कैंपेन ब्लॉक लेवल यात्रा ब्लॉक लेवल पदयात्रा कवरिंग द ऑल ग्राम पंचायत एंड बूथ्स एंड पार्टी विल हैंड ओवर ए लेटर फ्रॉम राहुल गांधी Taking about the core message of this yatra. And we will distribute a charge sheet against the Modi government along with the legislature. There will be village sabas and flag hosting during this yatra, block level yatra. Youth, especially, we will have a separate youth connect. On this yatra, like bike rallies, and this is going to be happened throughout the country for two months from January 26 onwards. This is a clear follow-up of Bharat Jodo Yatra. You know that how much response we are getting from the people of this country on this Bharat Jodo Yatra. You people are witnessed in some of the places. The amount of response we are getting from the Bharat Jodo Yatra is beyond political limit, beyond caste limit, beyond age limit. That much response we are getting, so we decided to continue that momentum through this mega program again. Two months major campaign, Hath yodo campaign. That is what we decided today. I think the, most of the leaders participated in the discussions, and they have given valuable suggestions for these programs and valuable suggestions for the Bharat Jodo Yatra also. This is what, uh, we साथियों आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संचालन समिति की बैठक हुई और ये तय हुआ सर्वसम्मति से तय हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पचासीवा सेशन प्लीनरी अधिवेशन रायपुर में होगा और फेबर के दूसरे भाग में होगा ये तीन दिन का अधिवेशन होगा पिनेरी अधिवेशन जब कोई नया अध्यक्ष चुना जाता है या नियुक्त किए जाते हैं उसके बाद एक पिनरी सेशन होती है और ये हमारे पार्टी संविधान के मुताबिक है और ये तीन दिन का सेशन होगा इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी राजनीतिक प्रस्ताव होगा एक आर्थिक प्रस्ताव होगा किसानों पर प्रस्ताव होगा सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव होगा और युवा चुनौती जो आज युवा बेरोजगारी का भविष्य देख रहे हैं उस संदर्भ में भी एक विशेष प्रस्ताव होगा तो ये पहली बात तो यह है संचालन समिति के एजेंडा पर दूसरी बात जिसके ऊपर चर्चा हुई भारत जोड़ो यात्रा पर आज अट्ठासीवा दिन है भारत जोड़ो यात्रा का साढ़े छः बजे भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी रुझालावाड़ ज़िले में और मध्य प्रदेश का दौर जो है पिछले ग्यारह दिन से हम मध्य प्रदेश में हैं वो पूरा होगा तो अब तक सात राज्य पूरा हो चुके हैं और कुल मिलाकर करीब ढाई हजार किलोमीटर कवर चुक हो चुका चुक है और 1100 किलोमीटर बाक़ी हैं और अब जो योजना तैयार की गई है आज की जानकारी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी 24 तारीख को दिसंबर 24 को और हम पूरा उम्मीद रखते हैं कि 26 जनवरी आसपास एक दो दिन यहाँ वहाँ हो सकता है पर 26 जनवरी के आसपास राहुल गांधी जी और भारत यात्री श्रीनगर में रहेंगे और वहां राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाएगा आज काफी लंबी बातचीत हुई चर्चा हुई सभी सदस्यों ने सुझाव दिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या होगा तो इसका फॉलोअप क्या होना चाहिए उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो त्रिस्तरीय योजना है तीन स्तर पर किया जाएगा यात्राएं होंगी ब्लॉक और बूथ के स्तर पर जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैलियां होंगी तो यह त्रिस्तरीय योजना है अभियान है ब्लॉक या बूथ के स्तर पर जहां यात्राएं होंगी कार्यकर्ताओं हो द्वारा जिले के स्तर पर जहां अधिवेशन होंगे अलग अलग जिलों में और राज्य के स्तर पर एक या दो या तीन रैलियां होंगी ये 26 जनवरी को शुरू किया जाएगा और दो महीने लगेंगे इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को पूरा करने में और खास तौर से महिलाएं युवा और सभी समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ एक संदेशा दिया जाएगा राहुल गांधी जी की ओर से जो भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धियाँ हैं उनके ओर से एक संदेशा दिया जाएगा ब्लॉक और बूथ के स्तर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसमें कई राज्यों में भाग लेंगे और अलग अलग नेता हमारे प्रभारी प्रियंका गांधी जी वेणुगोपाल जी सब लोग और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इसमें भाग लेंगे तो 26 जनवरी से फॉलोअप हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी दो महीने के लिए इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा निकाले गए हैं 15 दिसंबर तक भारत जोड़ो यात्रा असम समाप्त होगा और भारी मात्रा में भारत जोड़ो असम में पब्लिक का रिस्पॉन्स मिला है भारत जोड़ो यात्रा 19 नवंबर और 28 नवंबर के बीच में भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा निकाला गया था और सभी 60 असेंबली सीटों से गुजरा इसी तरह झारखंड के इक्यासी असेंबली सीटों में से भारत जोड़ो यात्रा झारखंड पूरा किया गया है 28 दिसंबर से भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल और भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत होगी और भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा भी चल रहा है कुछ एक हफ्ते के लिए विश्राम लिया गया है क्योंकि कुछ उपचुनाव थे बाय इलेक्शन था और 9 दिसंबर से भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा में भी शुरू फिर से शुरू होगा तो अलग अलग राज्यों में भी जो मेन रूट में नहीं है वहाँ भी भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है अगले 20 या 21 तारीख तक हम राजस्थान में रहेंगे अलवर में एक बहुत बड़ा रैली होगा और 18 तारीख को राहुल गांधी जी अपनी आठवीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप लोगों को मैं जानकारी दे दूंगा कुछ ही दिनों में अलवर में अलवर में होगा 18 तारीख को 18 तारीख को चौबीस को हम दिल्ली में आएंगे और चार पाँच दिन यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमारे कंटेनर की मेंटेनेंस की ज़रूरत है मेरे कंटेनर में नल अभी काम नहीं कर रहा है किसी का स्विच काम नहीं कर रहा है कुछ हीटर लगवाने हैं क्योंकि अभी विंटर आ गया है उत्तर भारत में तो कुछ काम करना ज़रूरी है कंटेनर में तो उसके लिए तीन चार दिन लगेंगे 24 तारीख रात से 28 तक मैं समझता हूँ इस कंटेनर का, का काम चलता रहेगा और उसके बाद चार दिन के बाद हम फिर से यहाँ से उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से हरियाणा हरियाणा से पंजाब पंजाब से जम्मू और कश्मीर और 26 जनवरी तक हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं एक वक्तव्य अंग्रेज़ी में आपको दिया गया है और एक वक्तव्य हिंदी में भी आपको दिया गया है दोनों वक्तव्य आप देख सकते हैं इसमें विस्तार से जो मुद्दे आज उठाए गए थे आज के जो राजनीतिक चुनौतियां हैं आर्थिक चुनौतियां हैं सामाजिक चुनौतियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं जो विभाजनकारी और जो प्रधानमंत्री पद को क्षान नहीं देता जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसका भी जिक्र किया गया संवैधानिक संस्थाओं पर जो आक्रमण हो रहा है न्यायालय और सरकार के बीच में जो तनाव पैदा किया जा रहा है जानबूझकर इस पर सब बहस हुई और इसका जिक्र इस एक पेज के वक्तव्य में अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में आपको मिल गया होगा अब तक आप इसका इसमें देख सकते हैं खरगे जी का भी ओपनिंग भाषण आपको दिया गया है और उसमें भी उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दे उठाए हैं सामाजिक मुद्दे उठाए हैं कल मैं आपको विस्तार से जो अभी शीतकालीन सेशन शुरू होने वाला है सात तारीख को उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी विस्तार से ब्रीफिंग की है उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा तो वेणुगोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे द इंटरनेशनल कांग्रेस रोड New Delhi with the Honorable Congress President Srimali Mallikarjuna presiding. The committee unanimously resolved the 85th plenary session of the International Congress will be held at Tripur in the second half of February 2023. The committee noted the overwhelming success of the Bharat Jodo Yatra and the wide participation of lakhs of people. The listen to and speak with the people from all sections of the society every day, especially youth, women, farmers, and the weakening class, directly communicating its masses' message of equality, fraternity, and harmony. It is the same message which India's spiritual leaders and social reformers preached, the leaders of our freedom struggle under Mahatma Gandhi fought for, and our constitution upholds. The committee particularly appreciates the leadership of former President Sri Rahul Gandhi, whose tabasya, unfailing determination, and love for India and her people have been critical to the success of the Yatra. The committee expressed its thanks to the leaders and karyakartas of the Indian National Congress across the country for their hard work in supporting the Yatra, as well as to the lakhs of Indians who participated in it the committee noted with the concern the grave economic, social and political challenges that india continues to face. these challenges intensively every day. crores of people struggle with it, soaring prices, increasing at nearly 7 percentage, and regard unemployment 8 percentage. even as the government allows the concentration of the national wealth in a few chosen hands. economic growth continues to slide with every passing year. the deliberate subversion of and attack on constitutional institution continues. the premeditated attempt, the premeditated attempt that is underway to delegitimize the judiciary and orchestrate a confrontation between the executive and the judiciary is particularly alarming. the government continues its silence on chinese incursions on the border and the change in status quo on the lac, even as credible reports indicate increased deployment of chinese troops and weaponry. As India faces these challenges, the Prime Minister continues to deny, distract and divide. His inflammatory rhetoric during the recent election campaign in Gujarat and Himachal Pradesh has further polarized the polity and society of, at a time when serious discussion and debate are needed. Indian National Congress has a critical role to play in finding solutions to these challenges. The steering committee calls upon every congressman and congresswoman to work with unity. Faith, determination, and a sense of collective purposes. The victory of the party will be the victory of every leader and Karyagartha, and a victory for the idea of India that guided our freedom movement and is enshrined in our constitution. One thing uh, uh, already Jayaram detailed, he told about this program. Basically, this is he already told it is a three tribe program. Booth level, village level, and block level padayatras. Number two, district level massive conventions with workers and state level huge public rallies. And one more thing is Mahila march in every state capital, led by Srimadi Priyanka Gandhi, also will be there in the part of this program. Through January 26 to March 26, two months we should have a massive padyatra throughout the grassroots level block level district block level and uh, village level village level meeting will be there and after that district level massive workers convention karyakartaas convention will be there state level huge rallies which will be participated by honorable congress president and other senior leaders this is what we decided to follow up the bharat jodo yatra Sankshidde. संक्षिप्त में इस वक्तव्य का आखिरी पैरा हिंदी में दोहराता हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण है जो हमारे देश के सामने गंभीर आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां हैं उसका समाधान खोजने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है संचालन समिति हरेक कांग्रेसी से एकता दृढ़ संकल्प और सामूहिक इरादे की भावना के साथ काम करने का आह्वान करती है पार्टी की जीत हर नेता और कार्यकर्ता की जीत है और भारत के उस विचार की जीत है जिसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को निर्देशित किया और जो हमारे संविधान में निहित है आखिरी पैरा है इस वक्तव्य का अभी आप वेणुगोपाल जी से कुछ सवाल पूछना चाहते थे नो एक्चुअली भारत जोडो है यात्रा टिल twenty five of ऑफ दिस is इज I think winter session is on 7 to 27. That is what session is. 29th. No, it is not practical to attend the parliament for Rahul Gandhi now. Then regarding this EWC election, it will happen according to the constitution. जो हमारे पार्टी के संविधान में प्रावधान हैं उन प्रावधानों का पालन किया जाएगा। डिस्टेंस वही है डिस्टेंस वही है डिस्टेंस वही है तीन तो हज़ार पाँच सौ सत्तर किलोमीटर ही है पर यहाँ वहाँ हमने कुछ एडजस्टमेंट किया है और पहले तो अनुमान लगाया गया था कि हम एक सौ पैंतालीस दिन लेंगे पर अभी कुछ बीस दिन कम हुआ है विश्राम के दिन भी कम किए गए हैं पहले हम सोचते थे कि चार दिन के बाद या पाँच दिन के बाद अभी हम आठ दिन या नौ दिन के बाद हम विश्राम ले रहे हैं और एक बड़ी बात यह है हम ये मानकर चल रहे थे कि हम 21, 20, 20 या 21 किलोमीटर चलेंगे हर दिन हम अभी महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में हमने 23 किलोमीटर किया है और मध्य प्रदेश में मैं मैंने खुद चौबीस किलोमीटर किए हैं तो आप जान सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने कितना किया होगा औसत महाराष्ट्र में तेईस है औसत मध्य प्रदेश में तेईस किलोमीटर है जो हम पहले अनुमान लगा रहे थे कि बीस या इक्कीस किलोमीटर होगा अभी तेईस या चौबीस किलोमीटर हर दिन भारत भारतीय यात्रा में चल रहा डिस्कस्ट बिकॉज ऑफ बोथ इन चार्जेस फ्रॉम गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश डे Narrated the electioneering works of the party in detail. We discussed that also. Congress, can, Congress will win both seats. That's what they are putting. <laughs> पार्टी संगठन के लिए एकता की जरूरत होती है दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है एक और एक सामूहिक सोच और विचार की जरूरत होती है हमें बार बार दोहराना पड़ता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। सभी राज्यों में लागू है ये सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं है ये सभी राज्यों के लिए लागू होगा और राजस्थान में आपको मैं बताऊं हमने सोचा केरला से ऊपर कोई नहीं हो सकता तब हम कर्नाटक आए कर्नाटक में हमने सोचा कर्नाटक से कोई और बेहतर राज्य नहीं होता तेलंगाना में हुआ तेलंगाना के बाद सॉरी आंध्रा में गए आंध्रा में हमारी उम्मीद थी ये तो दो परसेंट हमारा वोट शेयर है क्या होगा और आंध्रा में देखने को मिला कि कर्नाटक से भी कुछ ऐसे जगह थे कर्नाटक में भी से भी अधिक हमें पब्लिक का रिस्पॉन्स मिला फिर हम तेलंगाना में आए तेलंगाना में तो हमारी काफ़ी अच्छी वोट शहर है और वहाँ भी रिस्पॉन्स बहुत सकारात्मक था महाराष्ट्र ने खुद राहुल जी ने कहा डबल ए रेटिंग दे दिया महाराष्ट्र को और राहुल जी ने कहा महाराष्ट्र के बाद मैं नहीं समझ सकता हूँ मैं सोच नहीं सकता हूँ कि इससे बेहतर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर खंडवा खरगोन मऊ इंदौर उज्जैन आगर ऐसी सब जगहों में मालवा आगर मालवा में लाखों लोग लाखों लोग ये कार्यकर्ता नहीं और मैं आपको आज बताता हूँ अगले पंद्रह दिन में आप राजस्थान में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी अधिक आपको पब्लिक दिखाई देंगे सुबह से लेकर रात तक सड़कों पर जो But पांच या छह जिले जा रहे हैं <laughs>

आई हैव बीन सेइंग मैं पहले से कह कर आया हूँ कांग्रेस पार्टी में एक ही नैरेटिव है भारत जोड़ो यात्रा पर आप लोग कुछ डाइवर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री की हवा आप में लग जाती है आप भी डाइवर्ट करना कभी कभी प्रयास करते हैं पर मैं आपको यकीन दिला दूं खुद वेणुगोपाल जी राजस्थान के सांसद हैं खुद वो जयपुर गए हैं उन्होंने समीक्षा ली है उन्होंने रिव्यू किया है और हमें पूरा हंड्रेड परसेंट विश्वास है कि राजस्थान भी ट्रिपल ए होगा डबल ए नहीं ट्रिपल ए होगा और आप लोग उसको नहीं करेंगे आप लोग और किसी और बारे में लिखते रहेंगे सर्टेनली सर्टेनली इन स्टेट द a part of the culmination of this abhiyan total abhiyan there will be a mahila march thousands of mahila will participate and we will have we will release a separate mahila manifesto in each state because of some inconvenience which is in that end. Madam, so far not decided. Okay, okay thank you.